से दिल जो लगाया। भाई ये लग रहा है, ये घंटा नहीं लग रहा है, ये सब्सक्राइबर बढ़ाने तो राइड पे तो जाना पड़ेगा ना मेरी जान। अभी कुछ तो 1-2 बजे होंगे, 3-4 बजे के आसपास तो गर्मी थोड़ी कम हो जाती है, मतलब अभी थोड़ी देरी है कि उसमें थोड़ा धूप वगैरह पड़ती है। तो भाई सब हवा अभी बिल्कुल गर्म गर्म आ रही है, 3-4 या 5 बजे तक तो भाई साहब कहते ही मज़ा आएगा यहाँ पे, क्योंकि उस टाइम थोड़ी गर्मी भी कम पड़ेगी। इतनी स्पीड भी मेंटेन फिर बाद में अचानक से एकदम से मेंटेन नहीं हो सकती है, सामने कोई आ जाता है फिर भाई साहब या तो उसको बचाओ या खुद को बचाओ, इसलिए दोनों एक साथ नहीं हो सकते, इसलिए आराम से जाएंगे। क्योंकि भैया स्पीड कम होगी तो हम गाड़ी को भी कंट्रोल कर सकते हैं और उसको रोक सकते हैं, बाकी स्पीड है तो हम पहले तो घबरा जाते हैं, इसलिए फिर वो ब्रेक लगाना क्या लगाना कुछ भी समझ में ही नहीं आता। और अभी तो हमारा फ्यूल है वो भी एकदम से लो हो रहा है, लेकिन पंप आएगा। इधर भी चल रहा है काम, तो उधर का बन गया, इस साइड का बाकी है पूरा, तो बन जाएगा ये भी। 5-6 मंथ तो लगेंगे इसको एकदम परफेक्टली बनने में, क्योंकि अभी बन रहा है, एक साइड से चालू है, एक साइड से बंद है, आधा बन रहा है। ये देखो उधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, मतलब क्या डोंट लाइक दिस। आराम से मैं रुक जाने का, थोड़ी खुली जगह देख के यहाँ रुका करो, ऐसे पीछे से कोई स्पीड आएगा तो फिर दिखा नहीं तो वो गया। इससे ओवरटेकिंग कैसे करें, यहाँ जगह भी तो होनी चाहिए भैया ओवरटेक के लिए। किधर जाना था, सीधा जाना, वही रास्ते का भी पता नहीं चलता यार, हाईवे लग रहा है, ये घंटा नहीं लग रहा है ये। देखो ऐसे ही घुस के आते हैं भैया, आए वहीं देखा करो, पूरी बैंड बजा रखी है रास्ते की तरफ। किलोमीटर के आसपास और चलेगी हमारी बाइक, तब तक तो कोई ना कोई पंप आ ही जाएगा। बता तो रहे हमारी बिल्डर रानी 78 बट फिक्स नहीं होता, हम स्पीड के हिसाब से गियर वगैरह चेंज करते उस हिसाब से पूरा वो बताती है, कभी ज़्यादा चलाएंगे स्पीड तो और बढ़ जाएगा, फिर गियर वगैरह चेंज करेंगे तो फिर एवरेज वापस कम हो जाएगा, मतलब ये इसके हिसाब से बता रही है। बाकी यहाँ भी देखो भैया लोकेशन तो भाई साहब मज़ा आ गया, सब्सक्राइबर बढ़ाने तो राइड पे तो जाना पड़ेगा ना मेरी जान। ये राइड था, इधर से निकाल दे, कभी इधर ले रहा है कभी उधर ले रहा है, मतलब क्या अब क्या उधर जाओ। फाइनली यहीं से हम पेट्रोल वगैरह डलवाएंगे, टैंक फुल कर दो, फुल
है ये दोबारा है यहाँ पे का है थोड़ा सा है। तो 799 साहब बहुत तगड़ा स्कैम हो गया। हमारे पास में थे 2000 के नोट, तो वो तो पंप पे चले ही नहीं, पता नहीं यार क्या चाहिए, वही चाहिए तो वो तो बंद हो गए, उसने चेंज करके दिए। इसका मतलब ये क्या है यार, कभी भी कोई भी नोट बंद कर देने का, पंप पे तो चालू रहने चाहिए ना, अब वो तो ले ही नहीं रहे यार। जिसके पास है वो तो बंदा हर बैंक के लाइनों में खड़े हो, फिर लाइनें लगाओ, यही करो, फिर भी हम मोदी पकड़े क्या बाबा, तो ऐसा कौन करता है यार। आरबीआई ने पता नहीं वापस से बंद कर दिया शायद, पता नहीं अब और कितने चेंजेस देखने को मिलेंगे हमको, पता नहीं। अभी तो हमारे पिता रानी उसका टैंक फुल करवा दे, मैंने देखा पंप पे तो चलेगी, बट वो तो साफ साफ मना कर रहे हैं कि हमको लेने से ही मना कर दे। मतलब पहले तो ठीक था, पंप पे तो ले रहे थे, मतलब अभी तो उस पर साफ साफ ही मना कर रहे हैं, नॉट एक्सेप्टेड डिस्काउंट। छोड़ो खैर कुछ नहीं, बैंक में लाइन में लगना पड़ेगा उसको सही करवाने के लिए, और तो क्या कर सकते हैं। भैया को बोला हमारे पास यही है, फिर भी वो तो बोलते फ़ोन पे करवा दो, हमने बोला फ़ोन पे तो हम यूज़ ही नहीं करते, फिर भी बोला कि पहले बता दिया होता तो हमको पेट्रोल नहीं डालते, तो भैया पेट्रोल नहीं डालते तो आगे कैसे जाते, मतलब यहीं खड़े रहो, मतलब यार ले लेते वो भी, मन पैसे ही तो थे यार, ऐसा तो है नहीं यार नकली है कुछ है ऐसा, वो तो बात अलग है। चल रहे थे ना 10 दिन पहले चल रहे थे, अचानक से बोला बंद बंद, वापस बैंकों में लाइने वाइने लगाओ, वापस जमा करवाओ, यही करो। अरे ऐसी क्या ब्लैक मनी थोड़ी मिलेगी यार, मतलब बिल्कुल ही अजीब है, ऐसे ब्लैक मनी मिलती तो यार ब्लैक मनी वाला तो किधर से कितने जुगाड़ कर रहे सब कर लिया होगा, लेकिन आम आदमी उसको प्रॉब्लम होती है भैया सबसे ज़्यादा, क्योंकि भैया यार उसको यार आपस कभी बोलते बंद है चालू है तो वो बेचारा कहाँ जाए चेंज करवाने, ऐसा था तो इतनी बड़ी नोट निकालनी नहीं चाहिए थी ना उससे, वैसे भी आम आदमी रखता तो नहीं है लेकिन उससे प्रॉब्लम होती है ना, जिसके पास एक दो भी हो उसको भी यार कहीं ले ही नहीं रहा है, दुकान पर जाओगे वो भी साफ साफ मना ही करेगा ना। हम भी जा रहे हैं यार, अब हम वही बस 2000 की नोटें लेके आए होते तो हमारे तो प्रॉब्लम हो जाती, फिर उसको लेके घूमना पड़ता वहाँ, राइड और कहाँ घंटा करे, सब मना करते फिर जाओ वापस कहीं से फ़ोन पे पेटीएम करो,